नमस्कार दोस्तों, आई एम के डीजे बॉक्स यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं HTL20 लाइनर जो कि होने वाले हैं 12 इंची स्पीकर के अंदर। अब देखिए हमारे लाइनर के ऊपर पेंट हो रहा है जो कि बहुत ही अच्छा पेंट है, सेंटेक्स पेंट जिसको हम बोलते हैं, वो वाला पेंट हो रहा है। फुल्ली वाटर प्रूफ पेंट होता है, इस प्रकार से पेंट किया जा रहा है। ये हमारे 12 कैबिनेट है जो कि ड्यूल 12 इंच के हैं, इनके ऊपर सेंटेक्स पेंट हो रहा है। ये देखिए इस प्रकार से एक एक के ऊपर पेंट हो रहा है। ये पेंट की क्वालिटी एक बार आप देखिए, नज़दीक से मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए फाइनली हमारा पेंट होके तैयार हो चुका है। ये देखिए पेंट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है पेंट की। अब हम लोग इनके ऊपर फिटिंग कसेंगे, साइड की फिटिंग और पीछे की फिटिंग हम लोग लगाएंगे। ये देखिए पीछे की फिटिंग लगना स्टार्ट हो चुकी है। ये पीछे की फिटिंग है इसकी, पीछे की फिटिंग में हमने 6 नट बोल्ट का काम लिया गया है। 6 बोल्ट के द्वारा पीछे की फिटिंग कसी गई है क्योंकि इसमें मजबूती का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए ये पिन है जो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से लगती है। ये हमारे अनिल भैया है जो फिटिंग कसने का काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ में काम किया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से फिटिंग कसी जाती है। फिटिंग पूरी एल्यूमिनियम की है, अच्छी क्वालिटी की फिटिंग काम में ली गई है। ये हमारे छोटू भैया है जो भी फिटिंग कसवा रहे हैं हमको। अब हम लोग पीछे की फिटिंग कसने के बाद में इसकी साइडों की फिटिंग कसेंगे। ये देखिए इस प्रकार से साइड की फिटिंग लगेगी, हैंडल और साइड की फिटिंग है इस प्रकार से लग जाएगी। हैंडल को प्रॉपर कटिंग करके बैठाया गया है। ये देखिए इस प्रकार से फिटिंग लग रही है। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया है ताकि ज़्यादा टाइम ना ले सकूँ आपका। पूरी अलिंग की बोल्ट के अंदर फिटिंग कसी जा रही है। अब फाइनली हमारी फिटिंग कस चुकी है और हम लोग इसको एक के ऊपर एक सेट करेंगे एक बार चेक करने के लिए। तो इस प्रकार से लगाया जा रहा है। दोस्तों ये लाइनरे जो है बिल्कुल 90 डिग्री में भी खड़े रह सकते हैं और राउंड भी इनके अंदर हो सकता है। सारी सुविधाएं उपलब्ध है इनके अंदर। ये देखिए फिटिंग की क्वालिटी देखिए एक बार आप, पूरी इंपोर्टेड फिटिंग काम में ली गई है, किसी भी प्रकार की लोकल फिटिंग का काम नहीं करते हम लोग। ये देखिए पिन भी पूरी स्टील के अंदर है, लोहे में नहीं है। डबल 12 इंच का इस लाइनरे है और बीच में एचअप आ जाएगी जिसका फ्लेयर गोल है।
इस प्रकार से ये सेट हो जाता है एक के ऊपर एक। और दोस्तों फाइनली हमारे 12 पीस है जो लग चुके हैं। अब मैं आपको पूरा लगा के फिर दिखाता हूँ। इनके अंदर दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्लाई का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही हेवी क्वालिटी के अंदर बनाने होते हैं हमको। दोस्तों इस ओरिजिनल फिटिंग की यही खास बात होती है कि इसको लगाने में बहुत ही आसानी होती है और वापस हटाने में भी आसानी होती है। ये देखिए हमारे 12 पीस लग के तैयार हो चुके हैं। एक बार दिखा देते हैं पूरा नज़दीक से, इसके बाद में आपको इसका जो स्पीकर है वो दिखाते हैं और एचएफ कौन सी काम में लेंगे वो दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों इसका स्पीकर है जो कि एन लेब का है और 750 वाट का स्पीकर है, 8 ओम्स का स्पीकर है और बहुत ही शानदार स्पीकर है ये लाइनर के लिए बहुत ही बेस्ट स्पीकर है, न्यूडियमियम स्पीकर है ये। इसके टर्मिनल है, सॉकेट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। इसके बार कोड है, नंबर सीरियल नंबर है इसके, देखिए फ्रंट लुक दिखाते हैं आपको। ये इसकी पेपर कोन है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। लाइनरी के लिए बहुत ही बेस्ट स्पीकर है ये। अब हम लोग एचएफ दिखाते हैं आपको। ये इसकी एचएफ है, ये देखिए ए प्लस की। जिसको हम लोग 80 वाट बोल सकते हैं, 80 वाट की एचएफ है, ये काम में लेंगे। फाइनली हमारा लाइनर है जो जाली लग के तैयार हो चुका है। अब इसकी फाइनल लुकिंग देखिए आप लोग किस प्रकार की क्वालिटी रहने वाली है। ये इसकी फाइनल लुकिंग है जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये देखिए इस प्रकार से रहने वाला है। दोस्तों इसके काम में कहीं पर भी कोई कमी नहीं रखी गई है। इसका जो फ्लैट केस है, एक कैबिनेट का एक फ्लैट केस है, इस प्रकार से ये सेट होगा। फ्लैट केस में 4 बटन लॉक और 2 हैंडल दिए गए हैं, बस इसी प्रकार से है।